सर संजय राउत को ईडी की कस्टडी में भेजा गया है, क्या कुछ दलीलें पेश की गई? जज साहब ने उन्हें 4 तारीख तक जो है ईडी की कस्टडी दी। जो मेन पॉइंट जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ था वो था नॉन कोऑपरेशन का पॉइंट। बोला गया था कि संजय राउत इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद ईडी ऑफिसर्स और उनकी जो प्रोसीडिंग्स है उसमें प्रॉपरली वो उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जब हमारे जो काउंसिल है उन्होंने क्लियरली बोला कि एक बार संजय राउत जी वहाँ प्रेजेंट हुए थे और 2 टाइम जब वो नहीं गए थे तब उन्होंने रिटर्न कम्युनिकेशन उनको सबमिट किया था, तो नॉन कोऑपरेशन का क्वेश्चन ही अराइज़ नहीं होता है। और जहाँ तक ये जो एविडेंसेस कुछ जिनको टेम्पर करने की बात हुई थी उसमें जिस एविडेंस की वो बात कर रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी वकोला पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ने उनसे बोला था कि ऐसा अगर आपके ऊपर कुछ ऐसा गाली गलौज या कुछ है तो आप उसका ओरिजिनल हैंडसेट लेके आइए, हमको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में वो मेन चीज़ है। आज तक वो चीज़ कभी वहाँ पर सबमिट नहीं हुई है। मराठी में भी सर वो फ्लुएंट नहीं आएगी। मैं आपको FIR कॉपी दिखा